हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे सबमर्सिबल का जो स्टेटर है उसको ठीक कैसे करते हैं। ये स्टेटर आज ही हमारे पास एक कस्टमर लेके आया है, बोल रहा है स्विच दबाने से ऑन नहीं हो रहा है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ ख़राब हुआ है। इसका जो कनेक्टर है शायद ख़राब हो चुका था, इसलिए इसको खोल लिया है। तो पहले हम नया वाला कनेक्टर सेट कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कनेक्टर का वायर कैसे जोड़ते हैं, पहले भी एक वीडियो बना के छोड़ा है हमने। अगर आपको कनेक्टर का वायर जोड़ना नहीं आता है तो पहले वाला वीडियो आप देख लीजिए। कनेक्टर का वायर हमने जोड़ लिए हैं, अब इसमें करंट देके देखेंगे और क्या चीज़ ख़राब हुआ है। एनसीबी को पहले हमने ऑन कर लेते हैं, देखते हैं इसमें करंट आया कि नहीं है। करंट आएगा तो वोल्ट शो करेगा, देखिए वोल्टेज शो कर रहा है। देखिए दोस्तों, स्विच दबाने से ऑन नहीं हो रहा है। अब हम इसका जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है उसको खोल के चेक करते हैं ठीक है कि नहीं है। दोनों नट खोल के कैपेसिटर को बाहर निकाल लेते हैं। कैपेसिटर का दोनों वायर लेके इसे शॉर्ट सर्किट करते हैं, फायरिंग होता है कि नहीं। अगर फायरिंग हुआ तो ठीक है। देखिए दोस्तों, फायरिंग नहीं हो रहा है, मतलब ये ख़राब हो चुका है। अब हम नया वाला चेक करते हैं। देखिए इसमें फायरिंग हो रहा है, ये कैपेसिटर ठीक है। पुराना वाला कैपेसिटर हमने खोल लिए, अब हम यहाँ नया वाला कैपेसिटर सेट कर लेते हैं। इसका वायर भी जोड़ लेते हैं। नाट को हम अच्छी तरह से कस लेते हैं। कैपेसिटर हमने सेट कर लिए हैं, अब इसमें करंट देके देखते हैं। स्विच दबाने से ऑन ऑफ हो रहा है। हमारा जो स्टेटर है वो शायद ठीक हो चुका है। एक बार हम आउटपुट लाइन चेक कर लेते हैं ठीक है कि नहीं है। आउटपुट लाइन हमारा बिल्कुल ठीक है। इसमें ज़्यादातर चीज़ ख़राब नहीं हुआ था, सिर्फ इसका कनेक्टर और स्टार्टिंग कैपेसिटर ख़राब हो चुका था। दोनों को हमने बदल दिए हैं तो ये ठीक हो गया। आज इतना ही, आगे और भी वीडियो देखना है दोस्तों तो हमारे वीडियो को आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।